अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक न्यूज़ चल रही थी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर पैटर्न के हवाले से कि पेपर पैटर्न उनका तब्दील हुआ है कि या नहीं हुआ। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए लाजमी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उनका बहुत रोल है, क्योंकि जो दो किस्म की पढ़ाई होती है आपको पहले ही पता है। एक होता है कि आप जो सबक है वो टीचर से आप पढ़ते हैं, सीधा सीधा पढ़ते हैं, उसी को याद कर लेते हैं और वही पेपर में लिख लेते हैं, मार्क्स आप ले लेते हैं। एक ये वाली स्टडी होती है। दूसरी स्टडी होती है आप अच्छे तरीके से लेक्चर लेते हैं, उसके बाद एक एक लाइन जो है वो किताब की पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, रीडिंग करके उसमें अगर आपको आप सवाल बनाते हैं, फिर जो चीज़ समझ नहीं आती दोबारा उसको समझ के पढ़ते हैं, एक्सरसाइज क्लियर करते हैं, सारी कंसेप्चुअल स्टडी होती है। दो किस्म की ये स्टडी होती है। तो अब जो फर्स्ट ईयर है, वैसे भी जो फर्स्ट ईयर है वो दो तरह की स्टडी की जाती है उसमें, लेकिन एक जो स्टडी है जिसके लिए ज़रूरी है आपको कि चीज़ों को समझना, वो ज़रूरी है नेक्स्ट लेवल में। जब आप ग्रेजुएट करेंगे या किसी भी जगह के ऊपर आप जाएंगे तो आपको चीज़ की समझ नहीं होगी तो मसाइल का सामना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि आपको जो रीडिंग है वो अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। रीडिंग के साथ साथ जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा बना सकते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि मेरी एजुकेशन के मतलब लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको पहुँचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। और अब ये जो न्यूज़ है जी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट लिया है, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट लिया है कंसेप्चुअल पेपर पैटर्न का, वो लिया है 9th 10th से, यानी पहली दफ़ा जो अप्लाई होगा वो 9th 10th पे अप्लाई होगा। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल 9th 10th के पे ही अप्लाई हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता इस पे आएंगे, फिर ये करेंगे कंसेप्चुअल बेस सिस्टम, लेकिन जो आगे काम आने वाली स्टडी है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल बेस स्टडी है। अगर आप चीज़ों को याद करके लिख लेते हैं तो ये सिर्फ दो स्किल्स हैं, याद करने वाली स्किल्स और उसके बाद प्रेजेंट करने वाली स्किल्स है। अगर इसके साथ साथ आप दूसरी स्किल्स पे भी तवज्जो देते हैं, यानी कि चीज़ों को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रैक्टिकल में आप करते हैं, तो आपको जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के बाद आपने एक नेक्स्ट लेवल पे आना होता है, वो लेवल होता है प्रोफेशनल लाइफ। वो लाइफ प्रोफेशनल कौन सी होती है, जब आपने कहीं जॉब करनी होती है या आपने कहीं काम करना होता है या बिजनेस करना होता है, उसमें आपके पास स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है और चीज़ों को समझने नॉलेज पे एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। स्किल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि साथ साथ स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आपने जो स्किल्स हैं वो हासिल करनी है। अगर आप स्किल्स हासिल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक नंबरों का एक पेज होगा, आप जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं देखे जाते, बल्कि आपके अंदर स्किल्स जो आपने नॉलेज सीखा है वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट है वो पेपर पैटर्न के मुताबिक ही तैयारी करेंगे, यानी कंसेप्चुअल तैयारी करेंगे और अपने स्किल्स के ऊपर भी साथ साथ तवज्जो करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।